मैं कितना कमजोर हूँ। जियान के डर के मारे मैंने वो बोल दिया जो सही नहीं था। बस तुम ही नहीं नोबिता, ये तो सबके साथ होता है। बुराई का सामना करने के लिए ताकत की जरूरत होती है। काश मेरे पास ताकत होती। बुराई से लड़ने की ताकत चाहिए तो फिर नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब मुझसे ऐसा नहीं हो सकता क्या? इसके लिए लंबी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तुम हार मान लेते हो इसीलिए तुमसे नहीं हो पाएगा। ये अच्छा काम है और मैं जरूर करूँगा। अच्छा पता नहीं पर ईएसपी ट्रेनिंग बॉक्स। इस गैजेट की मदद से तुम्हें कुछ खास कमाल की शक्तियाँ मिल सकती हैं। खास शक्तियाँ? हाँ, टेलीकाइनेसिस, क्लेयरवॉयंस और टेलीपोर्टेशन। लेकिन इसे पूरी तरह सीखने के लिए तुम्हें 3 साल तक दिन 3 घंटे ट्रेनिंग करनी होगी। 3 साल? ये तो बहुत ज्यादा है डोरेमोन। ठीक है तो कोई बात नहीं। अरे मुझे दे दो, मैं मजाक कर रहा था। तो सबसे पहले है साइकोकाइनेसिस। इसमें तुम्हें अपने दिमाग से किसी भी चीज को बिना छुए उसे हिलाना होगा, समझे? क्या इससे जियान को हवा में उछाल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। हेलो 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 हेलो, मैं कह रहा हूँ ना हेलो। ये तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। अभी तो सिर्फ 3 ही मिनट हुए हैं। तुम्हें 3 साल तक पूरे 3 घंटे प्रैक्टिस करनी होगी। इसका मतलब इसमें वक्त लगेगा। डोरेमोन, कोई और तरीका तो होगा ना, प्लीज मुझे बताओ। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। इसका तरीका वही है, इस डब्बे को देखते रहो और कहो मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। अगर मुझे ये आ जाता है तो मैं डेगी सुगी का होमवर्क दे पाऊंगा क्या? आखिर तुम ये सब किस काम के लिए सीख रहे हो? देख रहा हूँ। कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम्हें 3 सालों तक प्रैक्टिस करनी होगी नोबिता। क्या तुमने वो देखा? वो तो अपने आप ही हिल रहा था। मेरे ख्याल से ये टेलीकाइनेसिस है। अरे वाह कमाल है। पर तुमने तो कहा तुम क्लेयरवॉयंस की प्रैक्टिस कर रहे थे नोबिता। समझ गया, जो मैंने 10 मिनट पहले किया उसका असर अब हुआ। मैंने तो कमाल कर दिया। टेलीकाइनेसिस जो इस तरह 10 मिनट बाद असर करे वो अच्छा नहीं। अब मुझे टेलीपोर्टेशन सीखना चाहिए। ये किसी भी चीज को या खुद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ताकत को कहते हैं। टेलीपोर्ट काम नहीं कर रहा। 3 साल मैं इसके अंदर देख पा रहा हूँ। ये क्लेयरवॉयंस तो है पर 10 मिनट बाद। ये तो कमाल हो गया। इसके अभी तुम्हें 3 साल लगेंगे। हाँ, ये तो चला गया। लगता है ये टेलीपोर्ट हो गया है। वो गया कहाँ? कहाँ पर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम कितने लापरवाह हो, जाओ और उसे ढूंढो। और हाँ, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश तक मत करना। याद रखना तुम्हें अभी तक कुछ भी ठीक से नहीं आता है नोबिता, समझ गए तुम? डोरेमोन भी कभी कभी हद करता है। हाँ समझ गया, मैं शिज़ुका को अपनी ये नई शक्ति दिखाऊंगा, क्योंकि मेरी शक्ति 10 मिनट के बाद काम करती है। हाँ? शिज़ुका के घर जाता हूँ। टेलीपोर्ट। तुम क्या कर रहे हो नोबिता? अरे शिज़ुका तुम यहाँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा था। हाँ? उसने मुझे सही कहा था, मुझे जल्दी से वो बॉक्स ढूंढना होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। जियान? बोलो नोबिता, क्या बात है? मैं एक गोल सा डब्बा ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने कहीं देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। कुछ तो गड़बड़ है, वो जरूर अपनी पॉकेट में कुछ छुपा रहा है। देखता हूँ क्या है। दिख जा। मुझे बस वो दिखने ही वाला था। अरे नोबिता, तुम्हें पहले क्या हो गया था? शिज़ुका मुझे कुछ काम है। मुझे ये मिला था पर पता नहीं कि ये क्या है। मुझे पता था, मुझे अपनी नई शक्ति से जियान को सबक सिखाना होगा। आखिर ये चीज क्या है? एक यूएफओ। क्या कहा तुमने, यूएफओ? 2 मिनट और, 2 मिनट।
एक मिनट। पता नहीं नोबत आखिर क्या कर रहा होगा। 7, 6, 5, 4, 3। अरे शिज़ुका, बाल बाल बच गए। नोबिता, मैंने कहा था ना इसमें 3 साल लगेंगे। तुम हमेशा ऐसा करते हो, मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, गैजेट का गलत इस्तेमाल करते हो। तुम बहुत बुरे हो नोबिता, तुम रिमोट मुझे डांटता ही रहता है। कब तुम सुधरोगे? समझ गया, अब ये सब नहीं चलने वाला नोबिता। ले लेनी चाहिए, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए नोबिता। तुम कभी भी अपनी गलतियां नहीं सुधारते, लेकिन अब बहुत हो गया, समझ गए तुम नोबिता? डोरेमोन, कौन सी गलतियों की बात कर रहे हो? कुछ नहीं मॉम, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे बताओ आखिर क्या बात है? अरे नहीं, पूरे 10 मिनट तक डोरेमोन की बकबक सुननी पड़ी, और ये सब जियान और सुनियों की वजह से ही है। तो यहाँ है, मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूँगा। क्या यहाँ पर कुछ नहीं जिसका इस्तेमाल कर सकूँ? हाँ, समझ गया। टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट। बस 10 सेकंड और। क्यों ना हम मेरे घर चलकर आइसक्रीम खाएं जियान? ठीक है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? नोबिता, तुम यहाँ? अरे वो बस मैं तुम्हें मजेदार कहानी सुनाऊं। पता है, मैं एक बार गुलाब जामुन लेने गया था, फिर मेरा मन था कि मैं आइसक्रीम खा लूं, फिर मैंने गुलाब जामुन और आइसक्रीम साथ में खा लिए। ये कहानी बिल्कुल मजेदार नहीं है। मैंने कहा मेरे पीछे मत आओ। इसे भी अभी होना था। इन शक्तियों का इस्तेमाल ध्यान से करना होगा। कोई भला 10 मिनट तक एक जगह थोड़ी खड़ा होता है। इसका मतलब मुझे थोड़ा उनका इंतजार करना होगा। तो बेटा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? होमवर्क करने की ताकत अभी मेरे पास नहीं है। अपना होमवर्क पूरा करने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं होती, रोज अच्छे से बस मेहनत करने की जरूरत होती है। बढ़िया है। उन्होंने कहा था कि वो सुनियों के घर जा रहे हैं, तो 10 मिनट में वो जरूर यहीं से ही गुजरेंगे। तो ठीक है, आज मैं तुम दोनों को चौंका दूंगा। क्या बात है जियान? चलो इसको पुलिस को दे देते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं। अरे नहीं नोबिता। अरे शिज़ुका, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, यहाँ से चली जाओ। नोबिता, तुम्हें अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज तुम्हें जाना होगा, प्लीज यहाँ से चली जाओ। अरे नहीं, अब तो वो। अरे नोबिता, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा। मुझे बहुत गुस्सा। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ। टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट। रुको नोबिता। कहा था ना ताकतों का गलत इस्तेमाल मत करना? हाँ, पर जियान और सुनियो उनके पास। मुझे पूरा यकीन है तुमने कोई गड़बड़ जरूर की होगी। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। घर में बस अभी खाली बच्चे हैं, मेरे लिए ये बहुत आसान होगा। मम्मा, अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये तो चुप है। ओ नहीं, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? पुलिस, क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अरे ये कहाँ गए? अरे क्या लगता है, असर 10 मिनट बाद ही हुआ है। आखिर ये हो क्या रहा है? हम बच गए क्या जियान? आखिर तुम दोनों यहाँ कैसे आए? अरे बोला, पकड़ो उसे। अरे बोला, पकड़ो।
बार तुम्हारी ताकतें वाकई काम आई। वैसे मैं ऐसा तो नहीं करना चाहता था, लेकिन हो ही गया।